केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट का रिवीजन कर दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की बेटा जी, यूनिट सेकंड, ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो, यूनिट में आपको मैं पूरी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और जो भी नया फॉर्मूला आएगा तो उसको यहां पर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो वन बाय वन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ओके। तो देखिए, यहां न्यूमेरिकल दिया है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल टुगेदर वे इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बेटा जी, क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, मुझे ये पता है 1 इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बेटा जी कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया, इतनी बात बेटा जी क्लियर है। तो देखो, अब अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करना चाहता हूं तो 9.1 × 10⁻²¹ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इज इट क्लियर और नॉट, क्योंकि 1 किलोग्राम में 10³ ग्राम होते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो −28। तो बेटा जी देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 9.1 × 10⁻²¹ इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 1/9.1 × 10⁻²¹ हो जाएगा बेटा, ठीक हो गया, ओके बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल बे इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कैलकुलेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ओके। तो देखो, देखिए वन बाय वन में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बेटा आपको, ठीक है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी, क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मिथेन, मिथेन मतलब CH4 बेटा जी, ठीक हो गया। तो देखो बेटा कैसे होगा ये देखते हैं, ओके। तो देखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मिथेन में बताने हैं, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं बात करता हूं बेटा जी, 1 मोल ऑफ मिथेन में बताने हैं ना, तो देखो 1 मोल ऑफ मिथेन में, ठीक है बेटा जी, तो देखो 1 मोल ऑफ मिथेन, 1 मोल ऑफ मिथेन किसके बराबर होगा, पहले ये देखना है, 1 मोल ऑफ मिथेन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मोल निकालना है, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इज इट क्लियर और नॉट। देखो यहां समझो, मोल इक्वल्स टू क्या होगा, वेट यानी मास अपॉन मोलर मास, समझ लो मास अपॉन मोलर मास, ठीक हो गया। 1 मोल के लिए निकालना है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मास इक्वल्स टू मोलर मास के बराबर आ गया, नहीं आ गया, इज इट क्लियर और नॉट। तो देखो 1 मोल ऑफ मिथेन किसके बराबर होगा, देखो यानी 17 ग्राम ऑफ मिथेन के बराबर होगा, नहीं होगा, 17 ग्राम ऑफ CH4 के बराबर होगा, नहीं होगा, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। ये 17 कैसे आया, क्योंकि मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास हो गया, मोल 1 है तो मास इक्वल्स टू मोलर मास हो जाएगा, CH4 का मोलर मास कैसे निकलेगा, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, कितना आएगा बेटा, 16 आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया है, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो 1 मोल ऑफ मिथेन, अब हमें पता है 1 मोल ऑफ किसी भी मिथेन में या किसी भी मॉलिक्यूल में Na होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है उसके बराबर, यानी 1 मोल ऑफ मिथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात बेटा समझ में आई या नहीं। तो देखो मैंने आपको ये बताया 1 मोल ऑफ मिथेन में 16 ग्राम ऑफ मिथेन होंगे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल में 6.022 × 10⁻²³ एटम्स होते हैं, तो इसके 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन हो गए, नहीं हो गए, इज इट क्लियर और नॉट,
इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो वन मॉलिक्यूल्स, वन मोल ऑफ मीथेन में ये चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक हो गया। तो हमें निकालने गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकालने हैं प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ मीथेन में। तो देखो वन मोल ऑफ मीथेन में इलेक्ट्रॉन्स देखता हूं मैं कितने हैं, वन मोल ऑफ मीथेन में, वन मोल ऑफ मीथेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन, इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल ऑफ मीथेन में देखो बेटा, देखो CH4 है, अरे हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा, Z इसका मतलब नंबर ऑफ, क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज इट क्लियर और नॉट। तो 6 का कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ठीक हो गया। और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, अरे बताओ बेटा जी, हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 4 × 1 = 4, तो 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं आए मेरे वन मोल ऑफ मिथेन में, ठीक हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने वन मोल ऑफ मिथेन में, तो देखो वन मोल ऑफ मिथेन में कितने थे, इतने थे मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। तो अब मैं 10 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, इज इट क्लियर और नॉट। अरे समझ में आ गया सभी को बात या नहीं, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, क्योंकि बेटा जी जो मेरे मॉलिक्यूल्स मीथेन में आए ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा उसमें एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, ठीक है, क्या है और इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितना आ जाएगा मेरा 6.022 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है या नहीं बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट। तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ CH4 में, पता लग गया आपको, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक हो गया बेटा। अब मैं इसको रब करता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो देखो ध्यान से आपको समझनी है बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी बेटा जी, क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है बेटा ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसमें न्यूमेरिकल ही पूछता है एग्जाम में, ओके बेटा। तो देखिए नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं बेटा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अब बात करते हैं फाइंड, ध्यान से समझना है, फाइंड फर्स्ट, दो पार्ट है बेटा इसका, द टोटल नंबर, पहले बात करते हैं टोटल नंबर की, ठीक है, सेकंड बात करना है हमें एंड बी पार्ट में क्या है बेटा, द टोटल मास ऑफ, द टोटल मास ऑफ, क्या बताना है, द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का टोटल मास बताना है, ठीक है, इन 34 मिलीग्राम में, मिलीग्राम ऑफ NH3 at STP, ठीक हो गया बेटा। इतनी बात क्लियर है, तो देखो कैसे होगा ये ध्यान से समझना है। देखो पहला पार्ट है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं इतने 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में, दूसरा क्या बताना है, टोटल मास बताना है प्रोटॉन्स का, ठीक हो गया बेटा, इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। तो पहले बात करता हूं मैं, देखो कैसे होगा, ए पार्ट में कराने जा रहा हूं, तो वन मोल ऑफ मीथेन में कैलकुलेट करेंगे, वन मोल ऑफ मीथेन इसका मतलब क्या हो गया भाई, वही जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक हो गया। वन मोल की बात कर रहा हूं तो मास इक्वल्स टू मोलर मास के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो क्या है हमारे पास, सॉरी मीथेन नहीं है यहां पर, क्या है आपकी NH3 अमीन है, NH3 वन मोल ऑफ NH3, ठीक हो गया बेटा। अमोनिया है ये, क्या बोलते हैं NH3 को, अमोनिया, ओके बेटा जी। तो देखो वन मोल ऑफ NH3 का मतलब ये हो गया, देखो कितना ग्राम आ जाएगा, नाइट्रोजन 14 + 3 × 1, तो कितना आ जाएगा 17 ग्राम ऑफ अमोनिया आ गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब वन मोल ऑफ अमोनिया कितना कंटेन करता है, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, इसका मतलब 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स होंगे अमोनिया के या नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात बेटा क्लियर है या नहीं, ठीक हो गया। अब देखो जैसे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही ये करेंगे, अब देखो इतने तो हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए अमोनिया के, अब देखो अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो वन मोल ऑफ अमोनिया, वन मोल ऑफ अमोनिया यानी NH3
में प्रोटॉन देखो कितने होते हैं। देखो बेटा जी, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देखो कितने प्रोटॉन है इसमें, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है प्लस 3, कितने हो गए बेटा जी, 10 हो गए, नहीं हो गए प्रोटॉन, ठीक हो गया। अरे समझ में आई बात, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो गए, ठीक हो गया। तो बेटा जी अब देखो ध्यान से समझो, तो 1 मोल ऑफ मीथेन, सॉरी अमोनिया, क्या कंटेन करेगा बेटा, कंटेन, ध्यान देखो, 10 × 6.022 × 10⁻²⁰ प्रोटॉन्स कंटेन करेगा, नहीं करेगा, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है, तो 6.022 × 10⁻²⁴ प्रोटॉन्स हो गए, नहीं हो गए, ठीक हो गया बेटा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई या नहीं, ठीक हो गया। बट हमें किस में निकालना है बेटा, हमें तो 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में निकालना है, किस में निकालना है, 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में। तो देखो ये चीज किसके लिए आई है भाई, 17 ग्राम के लिए आई है, नहीं आई है, इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि 1 मोल ऑफ अमोनिया किसके बराबर था, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया के। तो देखो ये वैल्यू किसके लिए, इसका मतलब 17 ग्राम ऑफ अमोनिया क्या कंटेन करता है बेटा, कंटेन्स 6.022 × 10⁻²⁴ प्रोटॉन्स, ओके। अरे हा या ना, इज इट क्लियर और नॉट? तो 1 ग्राम अमोनिया कितना कंटेन करेगा बेटा, 6.022 × 10⁻²⁴ डिवाइड बाय 17 ग्राम, ठीक हो गया। अब देखो निकालना क्या है, 34 मिलीग्राम, अब हमें पता है बेटा जी मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लिख दू बेटा जी, 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीग्राम, ठीक हो गया। तो कितना हो गया बेटा जी, इसका मतलब 2, ठीक है, मिली हो गया ना बेटा, ठीक हो गया, हाँ तो ठीक है, इसका मतलब 34,000 ग्राम, ओके। एक मिनट बेटा जी, वेट, कोई नहीं, इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो इसका मतलब 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 कितना कंटेन करेगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 34 mg से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मिलीग्राम को इसमें, यहां इसको मिलीग्राम में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। इसको मिलीग्राम में चेंज करूंगा मैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 17 × 2 = 34 हो जाएगा, तो बेटा कितना आ गया हमारा, 6 × 12.0224 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 21, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1.22204 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 22 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है या नहीं बेटा जी, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, ठीक हो गया। अब इसको रब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ओके। तो जो भी बेटा जी नए बच्चे जुड़े हैं, तो उन्होंने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट केमिस्ट्री की वीडियोस के लिए, ओके बेटा। ये एक्सक्लूसिव है, केवल आई केमिस्ट्री चैनल पर अवेलेबल है बेटा ये वीडियोस, ओके बेटा। तो देखो इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है बेटा, देखो समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें राइट ए कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर दिए हैं और एटॉमिक मास दिया है, तो हमें कंप्लीट सिंबल लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है बेटा, समझ गया, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, तो जेड इक्वल्स टू 17 एंड ए इक्वल्स टू 35। सेकेंड है बेटा हमारा Z equals to 92, A equals to 233, ओके। थर्ड है इसमें हमारा Z equals to 4 और A equals to 9। अब समझो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आप देखो समझो, हमें कंप्लीट सिंबल बताना है, तो कंप्लीट सिंबल का बेटा एक क्या होता है, एक रूल होता है, रूल समझ लो या नोटेशन बता देता हूं, नोटेशन कैसे करते हैं बेटा, जेड एक्स ए, ये होती है किसी कंप्लीट सिंबल को डिनोट डिटरमाइन, मतलब दिखाने का एक नोटेशन होता है बेटा, ठीक है। कोई किसी भी एलिमेंट का कंप्लीट सिंबल इस टाइप से दिखाया जाता है, वेयर जेड इक्वल्स टू, ध्यान से समझो बेटा, जेड इक्वल्स टू क्या है, एटॉमिक नंबर, ओके।
स्लैश नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्लैश बेटा जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी ओके इलेक्ट्रॉन्स तभी होंगे ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल इन केस ऑफ न्यूट्रल बेटा जी ठीक हो गया ये विद इन ब्रैकेट में लिख दिया मैंने तो देखो इसका मतलब देखो बेटा 17 पहले का लिख रहा हूं मैं 17x कितना 35 अब देखो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है जल्दी से बताओ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन इसका मतलब क्लोरीन आ गया नहीं आ गया तो 17Cl35 इज इट क्लियर और नॉट ठीक हो गया बेटा सेकंड देखो सेकंड 92X233 तो 92 किसका होता है यूरेनियम का होता है वो देखना आप 92 यूरेनियम बेटा जी 233 ओके बेटा जी थर्ड क्या हो जाएगा बेटा Z=4 A=9 तो क्या होगा 4X9 तो देखो जल्दी से बताओ बेटा जी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम तो क्या हो गया बेरिलियम हो गया बेटा जी ठीक हो गया अगर इसको आप ज्यादा एक्सप्लेन करोगे वेयर बता दो 4 = एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन और = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 = नंबर एटॉमिक वेट ओके बेटा इसको रब करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का ओके इस वीडियो का ठीक है बेटा जी तो देखो इसको रब करते हैं हम बेटा मैंने रब किया इसको ठीक है तो देखो फाइंड एनर्जी फाइंड करनी है क्या फाइंड करनी है फाइंड एनर्जी ऑफ इच फोटोन हर एक फोटोन की क्या फाइंड करनी है बेटा जी एनर्जी फाइंड एनर्जी ऑफ इच फोटॉन्स विच इसमें भी दो पार्ट है बेटा जी विच फर्स्ट पार्ट विच क्या लिखा है कॉरस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा जी कितनी है गिवन फ्रीक्वेंसी 3×10^15 Hz दी है ठीक है हर्ट्ज बोल दो या सेकंड इनवर्स बोल दो बेटा जी सेकंड है इसका पार्ट हैव वेवलेंथ दी है बेटा जी वेवलेंथ ओके जी वेवलेंथ कितनी दी है बेटा 0.50 angstrom इज इट क्लियर और नॉट तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं फाइंड एनर्जी फाइंड करनी है इच फोटॉन्स की तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है E = क्या होता है h nu होता है बेटा जी क्या होता है E = h nu और अब देखो न्यू क्या होता है बेटा C/λ तो रखो वैल्यू E = hc/λ इज इट क्लियर और नॉट ठीक है वेयर अब टर्म बता दे रहा हूं मैं इसको सी क्या है लाइट ऑफ क्या है बेटा लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है कांस्टेंट होती है बेटा जी क्या होती है कांस्टेंट 3×10^8 m/s ओके लैम्डा क्या है वेवलेंथ है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में ओके जी न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें और H आया H क्या है बेटा प्लांक्स कांस्टेंट क्या है प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है बताओ जी 6.626×10^-34 जूल सेकंड इज इट क्लियर और नॉट तो देखो पहले में क्या निकालना है एनर्जी निकाल लो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो रखो जी यहां कर दूं E = H की वैल्यू 6.626×10^-34 इनटू फ्रीक्वेंसी कितने है 3×10^15 ओके तो करो मल्टीप्लाई 6 × 18 6 × 18 एक बच गया 6 × 18 और एक 19 हो गया बेटा × 10^-34 तो 34 में 15 घटेंगे कितना बचेगा बेटा 19 अरे यस या नो ना 9×5 = 14 होता है कितना बच गया बेटा तो 2 − 19 हो गया अब देखो साइंटिफिक नोटेशन 1.9878×10^ ये अब देखो राइट से पॉइंट लेफ्ट में जा रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा मतलब 10^1 प्लस करेंगे तो −18 हो गया नहीं हो गया इज इट क्लियर और नॉट जूल हो गया बेटा जी ठीक हो गया एनर्जी का फॉर्मूला आ गया मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया वेवलेंथ दी है बेटा जी तो रखो E =
HC/λ, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 डिवाइड बाय लेमडा। अब देखो लेमडा दिया है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, 0.5 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 मीटर, तो कितना लिख दूं, 0.50 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन अब देखो लेफ्ट से राइट में गई है, तो 5.0 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 11 मीटर हो गया या नहीं हो गया, रखो वैल्यू 5.0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 मीटर। अब सॉल्व करोगे बेटा जी, मीटर में वैल्यू आएगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी के साथ बेटा ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।